हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS एकेडमी। आप सभी का AVKS एकेडमी में बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ द CAPF 2020 एग्जाम। एंड आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं, दो चीज़ें बताएंगे बेसिकली। फर्स्ट हम बताएंगे आपको CAPF 2020 का, ठीक है, CAPF 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। पेपर वन का बताएंगे, पेपर वन प्लस पेपर टू का बताएंगे, उसके बाद फाइनल भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी 2022 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हमें पेपर वन में कितना स्कोर करना है, ठीक है। 2022 एग्जाम के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, पेपर टू में नॉर्मली कितना स्कोर करना पड़ता है। बेसिकली पेपर टू में कोई कट ऑफ नहीं होता है, लेकिन कितना स्कोर करना है वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। इसके अलावा जो भी CAPF 2022 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए AVKS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम आपको पेपर टू के टॉपिक्स हो या करंट अफेयर्स या MCQs आपको प्रोवाइड करते रहते हैं फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी आप पूछोगे सर आप कट ऑफ किस बेसिस पे बता रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्क्स इन पेपर वन, एक्सपेक्टेड मार्क्स इन पेपर टू। तो यहाँ पे 6-7 सैंपल है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल हमने एक 200 प्लस सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है। जो भी AVKS अकेडमी में इंटरव्यू आए थे एंड अदर स्टूडेंट्स AVKS में इंटरव्यू जो नहीं आ पाए, अदर स्टूडेंट्स का भी हमने कलेक्ट किया है। ऑलमोस्ट ऑल 200 प्लस सैम्पल है हमारे पास, जिनका एक्सपेक्टेड मार्क्स है, पेपर वन का भी है, पेपर टू का भी है, जो अभी रिसेंटली मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनके भी। ऑलमोस्ट ऑल 45-50 स्टूडेंट्स का जो है लिस्ट हमारे पास है, तो उसी के बेसिस में आपको जो है ये कट ऑफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल जो मेन कट ऑफ आने वाला है उसमें ऑलमोस्ट ऑल आपका सिमिलर ही रहेगा, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखने से आपको पूरा क्लैरिटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आप सैंपल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेक्टेड मार्क्स इन पेपर वन 125 या पेपर टू है 80 मार्क्स, ठीक है। ये प्लस और माइनस हो सकता है, ये स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने क्लियर किया है, इनका रैंक है 53 है, ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा, ओनली आपको मार्क्स ही बताऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड मार्क्स इन पेपर वन 118 और यहाँ पे है 85 इन पेपर टू, ठीक है। नेक्स्ट 85 कंफर्म नहीं है, बस इनका एक्सपेक्टेशन है कि मेरा 80-85 हो सकता है करके। नेक्स्ट कैटेगरी है इनका ST और इनके मार्क्स है पेपर वन में 125, पेपर टू में 80 बन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 133 है, पेपर टू में 90 है, और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे 120 मार्क्स बन रहे हैं, पेपर टू में इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। नेक्स्ट पेपर यहाँ पे देख सकते हो पेपर वन 130 एंड पेपर टू 100 के आसपास, ठीक है। और ये भी एक सर्टिफिकेट कैंडिडेट का है, तो यहाँ पे हमने मार्क्स नहीं दिया। लेकिन बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इन रियलिटी, ठीक है, इन रियलिटी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जो पेपर क्लियर किए हैं जितने कितने मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं बोलते हैं कि मेरा 150 है, 160 मार्क्स है, वो एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ऐसा आता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का मार्क्स कैसा होता है, समझ लो 120 कट ऑफ है, तो 125, 130, 135 इसके आसपास ही आपके जो है मार्क्स होते हैं, हम उन्हीं को जो है कंसिडर करके जाएंगे आज। नॉर्मली कट ऑफ किस किस का बनता है, देखो आपको तो पेपर का पैटर्न आइडिया होगा ना, पेपर वन होता है आपका एग्जाम, पेपर टू दोनों सेम डे होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, जिसमें पेपर वन फर्स्ट आपको OMR स्कैन करते हैं, जिसमें आपका अलग से एक कट ऑफ बनता है, जो कट ऑफ क्लियर करते हैं उन्हीं का उन्हीं का जो है पेपर टू कॉपी या शीट्स इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, तो पेपर वन का एक अलग से कट ऑफ बनता है, ठीक है। उसके बाद पेपर टू के अलग से कट ऑफ बनता है, नहीं कोई पेपर टू कट ऑफ नहीं होता, पेपर टू का ओनली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। पेपर टू का ओनली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जिसमें 25% कभी कभी होता है, 30% होता है। 25% मतलब ऑफ 250 मार्क्स होगा, 30% मतलब 60 मार्क्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर टू का कोई अलग से कट ऑफ नहीं बनेगा, ओनली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो नेक्स्ट कट ऑफ बनता है पेपर वन प्लस पेपर टू का, जिसमें रिटर्न का ओवरऑल कट ऑफ बोलते हैं, जो ये कट ऑफ क्लियर करता है उनका रिटर्न लिस्ट में नाम आता है, मतलब स्टेज टू के लिए जो स्टेज टू के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब PET
और मेडिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन डाउट है, मैं क्लियर करूँगा। समझ लो ओवरऑल कट ऑफ है रिटन एग्जाम का 200। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ पेपर वन प्लस पेपर टू। आप स्कोर कर रहे हो पेपर वन में 150 मार्क्स और पेपर टू में आपका है 59 मार्क्स और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर टू में 60। ठीक है, लेकिन एक मार्क्स से आप जो है वो 60 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, तो ऑल टुगेदर बन रहा है यहाँ पे 209 मार्क्स, मतलब 9 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा है ओवरऑल कट ऑफ से। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, रिटर्न लिस्ट में आपका नाम आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफकोर्स डेफिनेटली आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करने हैं। इज इट क्लियर? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्लियर करना है इन एनी केस। अगर 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स आपको क्लियर करना है, 170 मार्क्स है या 180 मार्क्स है, जितना भी मार्क्स है, लेकिन आपको पेपर टू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्लियर करना है। और फाइनली बनता है आपका रिटर्न का जो ओवरऑल कट ऑफ होता है उसका प्लस इंटरव्यू, दोनों को मिला के जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। इज इट क्लियर? सैम्पल के तौर में आप देख सकते हो 2017 का है ये। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पेपर वन और पेपर टू के मार्क्स का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा देर आप देख सकते हो, नहीं आपको फाइनल कट ऑफ देखना है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना है, आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। ठीक है, जो भी 2022 के स्टूडेंट्स हैं वो आप एक बार थोड़ा एक 2-3 मिनट्स आप यहाँ पे देखो। 2017 का है, लास्ट 3 सालों से कोई कट ऑफ नहीं यूपीएससी के द्वारा, तो हम चलो यूपीएससी का छोड़ देंगे, वो पता नहीं कब देगा या नहीं देगा, पता नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। अभी आप यहाँ पे देखो 2017 का यहाँ पे कट ऑफ है, जनरल कैंडिडेट का 123 है, मतलब 123 किसका है, द लोवेस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय द रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, तो 120 मार्क्स उसका है। नेक्स्ट सेम पेपर वन प्लस पेपर टू का भी कट ऑफ बना है, जिसमें 206 मार्क्स, मतलब पेपर वन प्लस पेपर टू का 206 मार्क्स है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, ऑलमोस्ट ऑल 85 मार्क्स का डिफरेंस आया। तो जिन्होंने पेपर वन में 123 मार्क्स स्कोर किया है, उनको पेपर वन में एटलीस्ट 85 मार्क्स स्कोर करने हैं। अराउंड 85 मार्क्स अगर आप स्कोर करोगे तभी जाके आपका रिटर्न में नाम आएगा, मतलब रिटर्न लिस्ट आप क्लियर करोगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, पेपर वन कभी भी फ्लक्चुएट है, मतलब वो अनसर्टेन है। पेपर वन हाईएस्ट मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, ऐसा भी लोएस्ट मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान पे रखो, अगर आपका पेपर वन में स्कोरिंग कम बन रहा है देन आपको कौन बचाएगा, पेपर टू ही बचाएगा आपको। ठीक है, तो पेपर टू अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट करो, पेपर थोड़ा फोकस करो पेपर टू में, एटलीस्ट आपका स्कोरिंग 90 के आसपास होना चाहिए, तब जाके अगर आपका बॉर्डर पे भी मार्क्स है तब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में भी आने का चांस है। ठीक है, उसके बाद आप पूछोगे सर मेरा रिटर्न हो गया है, उसके बाद मुझे ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स स्कोर करना है, उसके बाद आपको ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स स्कोर करना है। आपका जो रिटर्न होने के बाद ऑन एन एवरेज अगर आप 100 मार्क्स स्कोर करते हो, 90% ऑफ द केसेस आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। ओके, द केस इज डिफरेंट। अगर समझ लो 120 कट ऑफ है, आपको 121 आया है, तो उस केस में आपको 100 से ज़्यादा ही करना है, लेकिन कट ऑफ से रिटर्न का जो कट ऑफ है उससे अगर आपको 10 मार्क्स भी एक्स्ट्रा आ गया है, तो वहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स स्कोर कर लोगे, देन यहाँ पे आपको कोई चिंता होने की जरूरत नहीं, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइनली अभी हम ये देखते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, एंड होपफुली एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका मेन कट ऑफ जो यूपीएससी द्वारा दिया जाएगा, इसी के अराउंड जो है वेरी करेगा। ठीक है, इसी के अराउंड वेरी करेगा, या आप रिलीज़ होने के बाद ये भी चेक कर लेना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने दिया है या जो मेन कट ऑफ आने वाला है उसमें बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये पेपर वन का है, यहाँ पे पेपर वन प्लस पेपर टू का है, और ये आपका फाइनल है, फाइनल मेरिट जो विथ इंटरव्यू का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पेपर वन जनरल कैंडिडेट 115-120 के आसपास आपका मार्क्स रहने वाला है पेपर वन में 2020 एग्जाम का। नेक्स्ट EWS बहुत ही अनसर्टेन है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कोई कट ऑफ नहीं है EWS का, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके जाएंगे 100 से लेके 110 के बीच में आपका रहने वाला है EWS। ठीक है,
नेक्स्ट ओबीसी ऑलमोस्ट ऑल इक्वल टू आपका जनरल रहेगा। नेक्स्ट एससी एसटी देखोगे देन 98 to 103 ऐसा आपका इसके बीच में ही आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर वन का पेपर टू का देखेंगे तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा एक आपका जो है कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पेपर टू, ठीक है। तब यहाँ पे पेपर टू जो है की रोल प्ले करेगा। पेपर टू में अगर आपका मार्क्स अच्छा है देन यू विल क्लियर द रिटर्न। यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैंडिडेट 90 ± 5 मतलब 185 to 195 तक हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 170 से लेके 180 तक आपका मार्क्स जो वेरी करेगा। ओबीसी अराउंड 183 से लेके 193 और 195 तक हो सकता है। अगर आप एस सी एस टी का देखोगे तो अराउंड 170 से लेके, ठीक है, 168 से लेके 178 तक मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 180 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर वन प्लस पेपर टू। फाइनली आपका आएगा फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट का 295 ± हमने 10 दिया है, मतलब 285 से लेके 300 तक, ठीक है। 300 मे बी 300 क्रॉस नहीं करेगा, जो हमने जो ऑलमोस्ट ऑल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हमने देखा है, तो 300 में भी यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा। सो 285 to 300 समझ लो, इसके बीच में ही रहने वाला है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ये बहुत फ्लक्चुएशन है, इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे समझ लो 265 to 280, ठीक है, 265 to 280। नेक्स्ट ओबीसी का जो है सेम 285 टू सेम एज इट इज़ जनरल का रहने वाला है। नेक्स्ट एस सी एस टी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 270 to 280 के बीच में आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। ये प्योरली ए वी के एस अकेडमी का एक्सपेक्टेड है। अगर आपको लगता है कि और कोई सजेशन है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, हम ट्राई करते हैं आपको रिप्लाई करने का। एंड होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।